फ्रेंड्स, वेलकम टू डिकोडिंग सक्सेस चैनल। आज हम एक ऐसे टर्म है, जो वर्ड है, उसको डिस्कस करेंगे जिसको हम सब बोलते हैं, पर हमें से बहुत कम लोग हैं जानते हैं जिसके बारे में। ये टर्म है बाबू। इंडिया में छोटे से लेके बड़े तक सबको इसके बारे में पता है, और वो उन्होंने कहीं ना कहीं इसको किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के लिए इस टर्म को यूज करा है। बहुत सारे लोग प्यार से अपने बच्चों को, अपने डियर वन को बाबू बोलते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ये उनके लिए टर्म यूज करा जाता है बाबू। एक जो लाल फीताशाही थी, ठीक है, जिसे रेड टेपिज्म बोलते हैं, ये उसके लिए टर्म को यूज करा गया था बहुत लंबे समय तक बाबू। कि जो सरकारी दफ्तर में जो काम करते हैं वो बाबू होते हैं, और ये टर्म को सुन के बहुत सारे लोग खुश होते हैं। लाइक बाबू से बाबूजी आ गया, तो आप किसी से बोलते हो बाबूजी, देन वो इंसान बहुत खुश होता है और आपके जो काम है वो हो जाएंगे। पर बहुत कम लोगों को पता है ये टर्म ओरिजिनली हमारे किसी डिक्शनरी में नहीं है, और ये सबसे पहले कहां से और कैसे आया। तो जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया एक टाइम में ब्रिटिश कॉलोनी था और यहाँ ब्रिटिशर्स आते थे। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे इंडिया में रूल करने के लिए वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से आते थे। तो कुछ सीधे ब्रिटेन से आते थे, कुछ ऑस्ट्रेलिया से होके आते थे, कुछ अफ्रीका से आते थे, और कुछ यूरोप के और जो कंट्री है वहां से आते थे। तो कुछ जो ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, वो अफ्रीका से होके आए, और अक्सर जो लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, वो इंडियंस को पसंद नहीं करते थे बिकॉज ऑफ कलर और बिकॉज ऑफ रेस एसेट्रा एसेट्रा। तो उनमें से कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो वो इंडियंस को कॉल करते थे, तो उनको बबून्स बोलते थे। तो जो बबून, आप जानते हैं, एक मंकी होता है जो अफ्रीका में पाया जाता है, और जैसा कि बंदर करते हैं कि वो बंदर इंसान को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह से इंसान ने इस टर्म को कॉपी करने की कोशिश करी। तो बहुत सारे इंडियंस हैं, और आज भी है, जो पूरी कोशिश करते हैं किसी तरह से ब्रिटिशर्स की तरह, चाहे वो इंग्लिश में बात करने की हो, चाहे उनके ड्रेसिंग सेंस हो, उनकी तरह कपड़े पहनने हो, या उनके जो गेम्स हैं उसको प्ले करने की हो, या ठीक है, यू नो, टेबल मैनर्स हो, वो बहुत सारे चीज ये एक स्टैंडर्ड बन गया था एक टाइम में, और इनफैक्ट आज भी है कि वो चाहते हैं कि वो उनकी तरह करें। तो वो इनफैक्ट उसके लिए पे भी करते हैं, लाइक टेबल मैनर, आप जाना ड्रेसिंग सेंस उसके लिए। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को हंसी हंसी में, मजाक मजाक में, उनका मजाक उड़ाने के लिए उनको बबूंस कहते थे। और जैसा आप जानते हैं कि उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है, हमारा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो जो बबून था वो उनको बबून ना समझ के उन्होंने सोचा कि ये हमें प्यार से बाबू बोलते हैं। सपोज आपको कोई मुस्कुरा के कुछ बोलता है तो आपको लगेगा कि नहीं, वो आपको नहीं रिस्पेक्ट दे रहा है। तो इंडियंस जो शुरुआत में जो लोग थे, जो उनके साथ में काम करते थे, वो इसको सुन के बहुत खुश होते थे, और ग्रेजुअली ये धीरे धीरे क्या है, जो टर्म है ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल में आने लगा जो गवर्नमेंट में ऑफिसर्स में काम करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको ही बबून करते थे, क्योंकि नॉर्मल लोगों से उनका इंटरेक्शन कम होता था, और जो उनके लिए काम करते थे उनके साथ इंटरेक्शन ज्यादा होता था, तो इसलिए उनको बबून्स बोलते थे। और वो धीरे धीरे बबून से जो टर्म था वो चेंज होता होता बाबू बन गया, बाबूजी बन गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कोई अगर आपको बाबू बोले या प्यार से बोले या कैसे भी बोले, तो उसे बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कॉलोनियल माइंडसेट था ये उसके साथ जुड़ा हुआ है, और आज भी लोग क्या है उसको सुन के खुश होते हैं, जो कि खुश होने वाली बात एकदम बात नहीं है, क्योंकि जो जैसा आपको मैंने बताया, वो आपका मजाक उड़ा रहे थे और बेसिकली बबून कह रहे थे। तो फ्यूचर में अगर कोई आपको बाबू कहता है तो आप वो पता है वो आपको क्या कह रहा है, हो सकता है उसका इंटेंशन ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बट हाँ कुछ लोगों को पता है, तो वो जानबूझ के ऐसी बातें कर सकते हैं। तो प्लीज, ऐसे बहुत सारे टर्म हैं जो हम गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उससे बचें, और थोड़ा सा बातचीत करते समय जो अभी आप कल्चर को थोड़ा सा स्टडी कर लें, और जो मैं बात कह रहा हूं तो आप उसको बिल्कुल ऐसे मत मानना, यू कैन गूगल इट, इसके बारे में आप करो, इसके ऊपर रिसर्च है, आप रिसर्च आपको मिल जाएंगी, और वहां से आपको पता पड़ेगा कि कैसे ये टर्म का चेंजेस आए और कैसे आज की मॉडर्न फॉर्म में ये टर्म बाबू आए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच,
And if you like this information, please do subscribe our channel and share it. Thank you so much.